This conference will now be recorded. Hi, this is CSCS Meenakshi Barwani Jodhwani and I'm back with my weekend story. But this time, ye bahut hi special hai kyunki ye shoot ho raha hai mere webinar pe, jo mere overseas students ke liye main use karti hu. So, aaj ki my story ka naam hai The Jungle Mystery. Mystery isliye kyunki story ke end mein main aapse ek question puchungi jo aapko answer karna hai. So, ek gaon tha, chhota sa gaon. जो शहर से कनेक्टेड था एक जंगल के रास्ते से, यानी एक गांव के किसी भी जने को शहर जाना होता था तो उस भयानक जंगल से होकर जाना पड़ता था। जंगल इसलिए भी भयानक था क्योंकि जंगल में एक शेर आ गया था। कुछ दिनों से उसने लोगों को बहुत परेशान कर रखा था। जो भी उस जंगल से जाता शेर उसे खा जाता। शेर से परेशान होकर सारे गाँव वाले इकट्ठा होकर गाँव के मुखिया के पास गए और कहा, मुखिया जी, अगर इस तरीके से चलता रहा तो एक एक करके गांव के सारे जने मर जाएंगे और हम शहर कभी जा ही नहीं पाएंगे, ना शहर के लोग यहाँ पे घूमने आ पाएंगे। मुखिया ने कहा, क्यों ना हम जंगल इंस्पेक्टर को बोले कि शेर के लिए जाल बिछाए और जैसे ही शेर पकड़ में आ जाए उसे चिड़ियाघर भेज दे। जंगल के इंस्पेक्टर जो थे वो इस बात को लेकर राजी हो गए। ये सारी बात नेल्सन, जो एक 14-15 साल का लड़का था, उसने सुन ली। नेल्सन जानवरों से बहुत प्यार करता था और उसे लगता था कि हर जानवर का हक है कि वह आजाद रहे। तो नेल्सन ने डिसाइड किया कि मैं जंगल इंस्पेक्टर का पीछा करूंगा और मैं उस शेर को बचा लूंगा। जंगल इंस्पेक्टर ने जंगल में जाल बिछाया जिसमें शेर फंस गया, बुरी तरह से फंस गया। शेर चिल्लाता रहा, दहाड़ता रहा, कोशिश करता रहा कि वो किसी तरीके से उस जाल से बाहर निकल आए और अंत में थक के बैठ गया। जब नेल्सन को लगा कि अब थोड़ा सा सिचुएशन सेफ है तो नेल्सन उसी जाल के पास में जो पेड़ था उससे नीचे उतरा, जाल को काटा और फटाफट पेड़ पे वापस चढ़ गया। शेर जाल से बाहर निकला, उसने घूर के नेल्सन को देखा और फिर वो जंगल की तरफ चला गया। नेल्सन को इस बात से यकीन हो गया कि शेर अब मेरा दोस्त बन चुका है क्योंकि वो चाहता तो मुझे खा सकता था। अगले दिन नेल्सन को शहर जाना था किसी काम से। उसके दोस्त ने उसे समझाया कि अभी शहर मत जाओ, एक बार उस शेर को पकड़े जाने दो, उसके बाद चले जाना। नेल्सन ने कहा, नहीं नहीं शेर मुझे कुछ नहीं करेगा, मुझे यकीन है कि वो मेरा दोस्त बन चुका है। ये बोलते हुए नेल्सन जंगल के रास्ते शहर की तरफ जाने लगा। अचानक से शेर नेल्सन के सामने आ गया। नेल्सन को थोड़ा डर लगा और उसे अंदर ही अंदर यकीन था कि शेर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। नेल्सन ने स्माइल करते हुए शेर की तरफ देखा और शेर ने नेल्सन पे झपट लिया और नेल्सन मर गया। अब मेरा सवाल यह है कि नेल्सन को किसने मारा? आप कहेंगे तो बड़ा ही सिंपल सा जवाब है, नेल्सन को शेर ने मारा। नहीं, नेल्सन को उसकी उम्मीदों ने, उसकी एक्सपेक्टेशंस ने मारा। हम सबके साथ यही होता है कि हम जिंदगी में कुछ करते हैं और उम्मीदें बहुत सारी लगा के रखते हैं और फिर जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम उदास हो जाते हैं, हमारे अंदर का आत्मविश्वास कहीं ना कहीं मर जाता है। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनके बोर्ड एग्जाम में 90% आती है फिर भी वो बहुत रोते हैं, बहुत उदास होते हैं, और ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनकी बोर्ड एग्जाम में 60% आती है और वो पार्टी करते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि शायद 90% वाले ने मेहनत थोड़ी ज्यादा करी होगी, लेकिन क्या अगर वो 90% वाले की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम हो जाए? तो हमारी खुशी और हमारे गम हमारे आसपास की चीज या आसपास के लोगों के ऊपर निर्भर नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशंस पे निर्भर है। अगर आप अपने मम्मी पापा से कोई गिफ्ट ना एक्सपेक्ट करो और वो आपको छोटा सा भी गिफ्ट ला के दे दे तो आपको बहुत खुशी होगी, और आप उनसे कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट एक्सपेक्ट करो और वो बर्थडे के दिन आपको छोटा सा गिफ्ट ला के दे दे तो शायद आप दुखी हो जाओगे। सो द ओनली वे टू स्टे रियली हैप्पी इज लोअर डाउन योर एक्सपेक्टेशंस। अपनी एक्सपेक्टेशंस जिंदगी से कम कर दीजिए और देखिए जिंदगी कितनी हैप्पी और वंडरफुल हो जाती है। आई होप यू लाइक द स्टोरी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।